नाम खदीजा बीबी और उम्र 74। और मेरे को शौक ये काम करना, गार्डन का, फूल पेड़ गाड़ना पॉट में, ये सब मेरा बहुत शौक है। मेरी मदर जो है काफ़ी सालों से बीपी से अफेक्टेड थी, जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारा पर्सनल प्रॉब्लम हो रहा था, लाइक उनको कहीं ट्रैवल ज़्यादा करना उनको काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था, और उनको किचन में जाने से भी या कुछ काम करते वक्त भी उनकी काफ़ी टायर्डनेस फील हो रही थी। उनको बार बार डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ रहा था, देन जब भी वो डॉक्टर के पास जाती तो डॉक्टर जो है बीपी के लिए मेडिसिन ही एडवाइस करते थे, और वो स्टार्टिंग में उनका जो मेडिसिन का जो डोज है वो कम था, बट ईयर टू ईयर जब पास ऑन उनका बीपी हाई हो रहा था तो जो मेडिसिन है वो भी इंक्रीज हो रहा था। 2009 में बाईपास सर्जरी हुआ, और जिसमें उनको काफ़ी टाइम तक, आई थिंक 2 to 3 months तक उनको काफ़ी रेस्ट लेना पड़ा, और फिर जाके वो नॉर्मल, थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ में आई। फिर भी डॉक्टर ने बहुत सारा उनको एडवाइस दिया था कि आप वेट नहीं उठा सकते, आप ज़्यादा वर्कलोड उनको नहीं होना है। यहाँ से डॉक्टर चेन्नई आने को बोला, आपको यही जो आप बोलते हो वो चीज़ को तो आपको करना पड़ेगा, तो उससे आपको आराम मिलेगा। तो हम, मेरा बेटी के साथ गया, छोटी, इससे छोटी वाली के साथ में अगस्त में गई थी, तो वो टाइम में मेरे को 2 tests लिया, वो टेस्ट के बाद में वो रिपोर्ट में जब मिला है मेरा किडनी और हार्ट या फिर से दोबारा कोई ब्लॉक या उसमें कोई तकलीफ नहीं होना, तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा बोला। को रात को एडमिट किया 18 को सितंबर में, फिर 9 बजे हम लोग लेके ऑपरेशन थिएटर गए, फिर उस वहाँ में मेरे साथ में एक कुछ इंजेक्शन का तरह कुछ लगा है, हमको कुछ तो दिखता नहीं, हम तो लेटी है स्ट्रेचर में, तो हमको उसके बाद में IV चढ़ता है, इधर भी रखे ऐसा, तो मेरे को होश बराबर है, बेहोश नहीं है, हल्का से मेरे को दर्द जरा से लगता है, कुछ ज़्यादा दर्द नहीं। रीनल डीनर्वेशन टेक्निक इज एडवाइज बाई ए डॉक्टर एट चेन्नई, एंड एज पर द एडवाइस बाई द डॉक्टर माई मदर इन लॉ अंडरगॉन दिस प्रोसीजर एट चेन्नई अंडर लोकल एनेस्थीसिया। दिस प्रोसीजर इज अपीयर्स टू बी वेरी क्विक, वेरी सेफ एंड वेरी इफेक्टिव एंड मिनिमली इन्वेसिव। After this procedure, my mother-in-law recovered within 24 hours and she started doing all sort of work, all routine works normally. And now the blood pressure also become very normal. Dusra din hamara discharge ho gaya, to hum paidal hi, humko wheelchair mein jane bole, nahi hum bola nahi hum paidal jayenge. Aapka lift mein utra, wahan se jo bahar jana hai, bahar gaya, gaadi mein chadhi. फिर हम लोग जो लॉज में रुके थे उसमें तक चले गए, ऐसा मेरे को कोई बार परेशानी कुछ नहीं हुआ। जैसे आप सर्जरी करते हो तो आपको काफ़ी टाइम तक बेड पे पड़े रहना पड़ता है, और फिर आपको एकदम नॉर्मल आप काम नहीं कर सकते, बट मदर नेक्स्ट डे ही वो अपना वॉशरूम अपने से जा रही थी, अपना फूड अपने हाथ से खा रही थी, और देन आने के बाद जस्ट 5 days थोड़ा सा रेस्ट किया, बट वॉकिंग कर रही थी, अपने नमाज और जो भी उनका नॉर्मल अपना पर्सनल काम वो खुद ही कर रही थी। देन उसके बाद जो है रूटीन नॉर्मल जो बिफोर प्रोसीजर जो कर रही थी वो नॉर्मल काम वो अपना स्टार्ट कर दी। दूसरा पेशेंट अगर करना चाहता है तो हम उसको यही बोलेंगे कि मेरे को किया आराम है, आप भी कर सकते हैं। Those who have done this procedure for my mother, and thank you a lot. Thank you to God also. All things happen in a normal way.
चला दिया, उनका भी लाख बहुत शुक्र गुजार हूँ। मेरा बच्चे ले जमाई उनको भी शुक्र गुजार हूँ, उन लोग मेरे को ये लेके गए। दिस प्रोसीजर इज ए न्यू हॉरिजन एंड न्यू होप इन ट्रीटिंग पेशेंट्स विद हाइपरटेंशन।